बीएसटीसी काउंसलिंग से जुड़े समस्त साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधर आरसोली में स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों से बहुत से साथियों की एक ही कमेंट आ रही है। आपको बता दें, हजारों की संख्या में साथियों की यही कमेंट पूछी गई है कि सर, इतने मार्क्स हैं, क्या हमें कॉलेज अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा? इतने मार्क्स पर हमें क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? इतने मार्क्स पर हम काउंसलिंग करें या नहीं करें? तो साथियों, आप सभी की इन्हीं कमेंट को शामिल करते हुए आज ये वीडियो बनाई गई है। हालांकि कट ऑफ से रिलेटेड हमारी वीडियो और भी बन चुकी है, जो अपलोड हो चुकी है, लेकिन यह वीडियो थोड़ी उनसे हटकर है। आज की इस वीडियो में हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में तो हमने फर्स्ट काउंसलिंग में कितने नंबर वाले साथी रजिस्ट्रेशन कराएं, इसको स्पष्ट किया है। सेकंड पार्ट में, सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है जिससे कि आप सेकंड काउंसलिंग में शामिल हो जाएं। और तीसरा जो पार्ट है वो 350 मार्क्स तक सभी कैटेगरी में, और एससी एसटी में 330 मार्क्स वाले क्या थर्ड काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे या नहीं। इन्हीं विषयों को साथियों आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है। यदि आप भी इनसे संबंधित समस्त सामग्री, विषय सामग्री जानना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए। इससे पहले साथियों आपको एक सूचित कर दें, बहुत से साथियों की इस संबंध में कमेंट आ रही, तो आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा साथियों, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, कट ऑफ, काउंसलिंग, समाधान, रिजल्ट आदि की सूचना साथियों यूट्यूब पर आपको बहुत मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब आज के दिन एक बिजनेस बना हुआ है। इसमें 12th पास, बीए बीएससी वाले स्टूडेंट भी, जिन्होंने स्वयं बीएसटीसी पास नहीं की, वे आपको शिक्षक बनने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए मेरे बहुत से साथियों का यूट्यूब से विश्वास उठ गया है और वे इस संबंध में कमेंट भी करते हैं। साथियों, मेरे फॉलोअर्स को सभी को मालूम है कि हमारा उद्देश्य इनसे हटकर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक गुरु स्वयं द्रोणाचार्य नहीं होगा, शिष्य अर्जुन कभी नहीं बन सकता। मैंने स्वयं शिक्षक योग्यता यदि हासिल नहीं की तो मैं इसकी सलाह आपको कभी भी नहीं दे सकता। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे द्वारा स्वयं 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा ऑल ओवर राजस्थान 151 रैंक से, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 में ऑल ओवर राजस्थान 24वीं रैंक से, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2014 में ऑल ओवर राजस्थान 40वीं रैंक से, और 2012 में JRF नेट अवार्ड लेटर भी हासिल किया, और 2013 में RAS इंटरव्यू भी फेस किया। साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारा ध्येय अपने साथियों के साथ अनुभव साझा करना व उनके भविष्य का मार्गदर्शन करना है। अतः साथियों, हमारे द्वारा निरंतर आपके समस्या समाधान के साथ साथ BSTC और PTET से शिक्षक बनने का मार्गदर्शन व अन्य क्षेत्र में आपके करियर संबंधी सलाह दी जाती है। साथ ही प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य सामग्री, हस्तलिखित नोट्स व ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं। साथियों, हमारे द्वारा अपलोड प्रत्येक करियर संबंधी वीडियो आप तक पहुँचे और एक भी वीडियो मिस ना हो, साथियों इसलिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारे बहुत से साथी यह समझकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कि सब्सक्राइब, हम चैनल पर सब्सक्राइब करने की बोलकर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, ये आपकी समझ है, हमें किसी भी सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है, केवल यह मेरे फॉलोअर्स का स्नेह और प्रेम है जिसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और अपने अनुभव शेयर करता हूँ। मैं कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए साथियों आपको नहीं बोलता हूँ, केवल एक ही प्रश्न को आप बार बार कमेंट में बोलते हैं, जिन पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। इसीलिए साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए और मेरे साथी मेरे अनुभव से युक्त एक भी वीडियो मिस नहीं करें। तो साथियों, आज की वीडियो में थोड़ा सा अतिरिक्त बताया, अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो साथियों, जैसा हम पहले भी कह चुके कि फर्स्ट काउंसलिंग की यदि हम बात करें, तो फर्स्ट काउंसलिंग में उन सभी साथियों को काउंसलिंग करानी है जो कि जनरल कैटेगरी में मेल 400 प्लस और फीमेल 380 प्लस हैं। इसके अलावा यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में साथियों 380 मेल और 375 फीमेल, ईडब्ल्यूएस में 395 मेल और 375 फीमेल, एमबीसी में 380 मेल और 350 फीमेल, एससी
365 मेल और 350 फीमेल। एसटी की बात करें 370 मेल और 355 फीमेल। एसटी कैटेगरी की बात करें फर्स्ट काउंसलिंग में 370 मेल और 355 फीमेल। पीएसपी की बात करें 325 मेल 285 फीमेल। एक्स सर्विसमैन साथियों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए इस कट ऑफ में हमने एक्स सर्विसमैन साथियों को भी शामिल किया है। तो एक्स सर्विसमैन कोटे में यदि आपके 250 प्लस हैं तो आप 100% सेफ हैं, कट ऑफ इससे डाउन भी जा सकती है। विधवा और तलाकशुदा के लिए आपको बता दें 250 प्लस यदि मार्क्स आपके हैं तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट काउंसलिंग में श्योर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। परित्यक्ता जितने भी हैं, परित्यक्ता जितनी भी महिलाएं हैं उनके यदि 200 प्लस हैं तो उनके पूरे चांस है कि उनको फर्स्ट काउंसलिंग कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अन्यथा सेकंड में तो 100% कॉलेज उनको मिलेगा। तो साथियों ये हमारे कट ऑफ अनुमान थे फर्स्ट काउंसलिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन साथियों के इतने मार्क्स हैं वो श्योर काउंसलिंग कराएं उनको। काउंसलिंग की एक छोटी सी टिप्स आपको बता दूं, ई मित्र वाले हर बार आपके ऑप्शन देने से बचना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनका टाइम ज़्यादा लगता है। आप अपने घर से कॉलेज चूज कर ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का ऑप्शंस दें, 50 तो कम से कम कॉलेज आपको देना है। साथियों कॉलेज ऑप्शन नहीं देने का बड़ा नुकसान आपको ये है, ई मित्र वाले 5-10 कॉलेज भरकर आल राजस्थान ऑप्शन कर देते हैं, उनका समय बच जाता है। लेकिन यदि आपको उन 10 कॉलेज में से कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपको वो अपनी तरफ से कहीं भी कॉलेज दे सकते हैं और इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए साथियों अपने कॉलेज की चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा देना। मैं तो ये कहता हूँ फर्स्ट काउंसलिंग में जिनके 400 प्लस हैं वो भी कम से कम 50 से 100 कॉलेज की चॉइस दें। सेकंड काउंसलिंग में किस प्रकार से चॉइस रखें इसकी चर्चा हम चलते हैं सेकंड काउंसलिंग की तरफ। साथियों आपको बता दें सेकंड काउंसलिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के ऑप्शन देने। यदि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड काउंसलिंग में आपको ज़रूर 100 से 200 कॉलेज का 200 से ऊपर जितने भी मैक्सिमम दे सकते हैं उतनी आप चॉइस दीजिए और आखिर में ही ऑल राजस्थान ऑप्शन दीजिए। क्योंकि पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज चूज करें, फिर निकटतम 5-7 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज चूज करें, यदि इनमें भी आपको नहीं मिलता है तो फिर आप ऑल राजस्थान ऑप्शन दें। इसमें आपको बता दें सेकंड काउंसलिंग में हमारे जो जनरल के साथी हैं 380 प्लस, महिला 360 प्लस, ईडब्ल्यूएस में पुरुष 375 प्लस, महिला 355 प्लस, ओबीसी में बात करें 370 प्लस पुरुष, 355 प्लस महिला, एमबीसी की बात करें 360 प्लस पुरुष, 330 प्लस महिला, एससी की बात करें 345 प्लस पुरुष, 330 प्लस महिला, एसटी की बात करें 350 प्लस पुरुष, 335 प्लस महिला, टीएसपी की बात करें 305 प्लस पुरुष और 265 प्लस महिला। साथियों एसटी में 350 प्लस तो हमने बताया पुरुष और 335 प्लस महिला, इसी प्रकार टीएसपी की बात करें 305 प्लस पुरुष, 265 प्लस महिला। एक्स सर्विसमैन कोटे में सेकंड काउंसलिंग में 230 प्लस यदि आपके हैं तो आपके चांसेज हैं कि आप सेकंड काउंसलिंग में, यदि फर्स्ट काउंसलिंग में दो नहीं अलॉट हुआ है 250 पे तो सेकंड काउंसलिंग में आपको 250 से डाउन भी मिल सकती है कट ऑफ। विडो डाइवोर्स की बात करें 230 प्लस और परित्यक्ता 180 प्लस भी सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज में आउंटन के पूरे चांस हैं। तो ये साथियों अनुमानित कट ऑफ है। हमारा अनुभव जहाँ तक सर्वे के आधार पर और आप लोगों के द्वारा कमेंट के द्वारा जो मार्क्स बताए गए उनके आधार पर और 4 आंकड़ों के आधार पर हमने जो तार्किक विश्लेषण किया था उस बेस लाइन के आधार पर आपकी कट ऑफ सेकंड काउंसलिंग में यहाँ तक रह सकती है। तो साथियों सेकंड काउंसलिंग के लिए हमने आपको बताया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का ऑप्शन देना है और अंत में ऑल राजस्थान ऑप्शन रखना है। फर्स्ट काउंसलिंग में तो हर हाल में आपको ज़्यादा ऑप्शन देने हैं। अब हम चलते हैं साथियों थर्ड काउंसलिंग की तरफ। थर्ड काउंसलिंग के लिए साथियों आपको बता दें आपको फर्स्ट में ही ऑल राजस्थान ऑप्शन रख देना है और इसमें आपको बता दें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी और वाले जो साथी हैं 350 वाले जितने भी साथी हैं उन सभी को काउंसलिंग में भाग लेना है। और एससी एसटी 330 वाले जो साथी हैं उनको भाग लेना है। अब महिलाओं की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी में 330 और एससी एसटी में 300 प्लस वाली जितनी भी महिलाएँ हैं उनको थर्ड काउंसलिंग में भाग लेना है। तो साथियों ये हमने आज जो कट ऑफ अनुमान दिया है वो तीनों काउंसलिंग का बेस आपके लिए बताया है क्योंकि बहुत से साथियों के बार बार इसी विषय से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं
आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल असंभव है, हजारों की संख्या में कमेंट आ रही हैं। आपकी जो पर्सनल विशेष कमेंट होती है उसका आंसर मैं विशेष वीडियो के द्वारा देता हूं, और ये कट ऑफ से रिलेटेड हजारों कमेंट थी साथियों, तो इसलिए मैंने आज तीनों काउंसलिंग में और सभी कैटेगरी के साथियों को शामिल किया है। तो आपका जो ये अनुमान है, तो आपके जो प्रश्न है, सब मेरे को लगता है कि संभावना आपके मैक्सिमम प्रश्नों का इसमें समाधान हो गया होगा। फिर भी साथियों नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके अलावा भी आपकी क्या समस्या और रह गई, मैं वीडियो बना करके और एक जय रूप से आपकी समस्या के समाधान का प्रयास करूँगा। साथियों वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो समस्त अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।